हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट जबलपुर से। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी आईटी और नॉन आईटी कोर्स में मास्टर कैसे बने। देखिए, किसी भी कोर्स में मास्टर बनेंगे तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा पैकेज मिलेगा, ये आप जानते हैं। और मैं आपको इस वीडियो से चार ऐसे पॉइंट्स पर बात करूँगा जिससे आप मास्टर बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आप सबसे पहले क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर तभी होंगे जब आप सिर्फ किताबी ज्ञान ना लें, आप इसके साथ साथ यूट्यूब से, गूगल से और आपके जितने भी जो है स्टडी चैनल्स हैं उनसे और उस चीज़ को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। दूसरा है अप्लाई द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, उसको प्रैक्टिकली करके देखें। जितने प्रैक्टिकल्स आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप उतने ही अच्छे एक प्रोफेशनल के रूप में उभरेंगे। तो अप्लाई करें कॉन्सेप्ट को जितना कर सके। तीसरा है प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट आपका ये कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें। आपको ये ज़रूरी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें, एक पर्टिकुलर डे में 1 आवर 2 आवर ऐसा एक टाइम स्लॉट आप बना लें जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप उस चीज़ पर और पकड़ मजबूत कर सके। और चौथा है मेक स्ट्रैटेजी। आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएं जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर नॉलेज को आप कहीं पे अप्लाई कर सके, कहीं पे यूज़ कर सके। तो स्ट्रैटेजी, जॉब फाइंड का स्ट्रैटेजीज आप बनाएं, आप किस तरीके से इंटर्नशिप्स इसमें ले सकते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकली आप और मजबूत हो सकते हैं, किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल अच्छे कैडर के बन सकते हैं, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको चार पॉइंट्स बताए, इन चार पॉइंट्स के द्वारा आप अपने कैरियर को एक बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं और जो भी आप सीख रहे हैं उसमें अच्छी जॉब पा सकते हैं। मत भूलिए कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, सीखने से काम चलता है। और जॉब मार्केट में अगर आप सीखे हुए कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। नौकरियों की कमी नहीं है, नौकरी करने वालों की कमी है, ये ध्यान रखिएगा। और इस बात को लेकर आप जो है ज़रूर तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।